मैं तकरीबन हिंदुस्तान के हर शहर में गया हूँ, लगभग हर शहर में, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और इधर गुजरात से कलकत्ता, लगभग हर शहर में गया हूँ, बड़े शहर में, और दुनिया के काफी सारे शहरों में गया हूँ। अलग अलग भाषा के लोग मिले, अलग अलग खान पान वाले लोग मिले, अलग अलग तहजीब वाले मिले, अलग अलग धर्म वाले मिले, अलग अलग जाति सभ्यता वाले मिले, अलग अलग पहनावे वाले मिले, अलग अलग सोच वाले मिले, लेकिन सब लोगों में एक बात कॉमन थी कि इस पूरी दुनिया में एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो सफल नहीं होना चाहता। हेलो, क्या आप भी सफल होना चाहते हैं? Yes! लेकिन सवाल यह है कि क्या सारे लोग सफल होते हैं? क्या सारे लोग सफल होते हैं? क्यों? जब सारे लोग सफल होना चाहते हो, हर आदमी सफल होना चाहता है, तो फिर सारे लोग सफल होते क्यों नहीं? ऐसा क्या चीज है जिस जो आपको रोकती है सफल होने से? कोई बात तो होगी ऐसी, सीखते नहीं है। ओके, सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं? यस। सारे लोग? यस। तो आवाज इतनी मरी क्यों है? तेरी मरी आवाज ही तेरे मुर्दा होने का सबूत है। और तू सोचता है कि अरे भिखारी भी जोर जोर से कहता है अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, तब जाके उसको मिलता है। और जब बात हो रही है पैसे की, तो तेरे मुंह से जोर से निकल भी नहीं रही, और तू चाहता करोड़पति बन गया। अरे दिमाग खराब है किसी का जो तुझे करोड़पति बनाएगा? हेलो, जो खुद प्रयास करने को तैयार नहीं है वो कभी भी नहीं बन सकता, तीन काल में नहीं बन सकता। क्या प्रयास करने को तैयार? yes! अच्छा, करोड़पति बनना है तो करोड़पति वाला प्रयास चाहिए? yes! चवन्नी छाप चाहिए। प्रयास कौन सा है आपका? अभी तक जो आप कर रहे हैं वो करोड़पति वाले प्रयास है, प्रयास जैसा है। अरे आपने पुरानी कहावत सुनी है, जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा होगा। जैसा जैसा तेरा प्रयास होगा वैसा वैसा तेरा इनकम बढ़ता है। अब इस बिजनेस के अंदर धन है नहीं, इस बिजनेस के अंदर पैसा है नहीं, ये तो सिद्ध हो गया, हो रहा है नहीं? आज कल अंकित के 7,000 रुपए आए, सुभाष सर के 7,000 रुपए आए, संदीप भी मेरे ख्याल से 5-6-12 होगा, छक्का मार 4,500, परसों संदीप के 4,000 से प्लस थे, राहुल जी लगातार 2,500 रुपए पर डे निकाल रहे हैं, एक आईडी पे टोटल अगर बात करें तो 4,000-5,000 रुपए इनका भी पड़ रहा है। मतलब पैसा तो है। अच्छा, इनके संकट ये कोई विचित्र प्राणी तो नहीं है? इसके 4 आंख हैं, कान बड़े हैं, हाथ लंबे हैं, क्या चीज कुछ ऐसा तो नहीं है? और कौन कौन? ये सुभाष जी हैं, ये हैं, अंकित है, मतलब ऐसा तो नहीं इनके कुछ? अच्छा, इसका दिमाग लगा है क्या? हेलो, कितने लोगों को लगता है कि दिमाग से पैसा आता है? और रोड़ा है मेरा दिमाग, क्या है? और ये जो दिमाग है ये ही आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इस दिमाग की जरूरत नहीं है, हमारे केडी शर्मा जी कहते हैं कि इस दिमाग का इलाज करना जरूरी है। बता दो इसका इलाज? एक लाल कपड़ा लगा 1 मीटर बाय 1 मीटर का, एक नारियल, 4 नींबू, 4 हरी मिर्च और थोड़ा सा गुलाब और उसे दूध ला। हेलो, उसको बिछाना और उसका वो सिंदूर बिंदूर लगा देना, गोला गोला रख देना और अगरबत्ती जला देना। हेलो, और अपना दिमाग को रखना, दिमाग चल, दिमाग चल, दिमाग चल, और फिर उसकी पोटली बनाना और पोटली बना के उसको किसी नदी नाले में फेंक देना। हेलो, कर सकते हैं क्या? कल से अपना दिमाग इस बिजनेस में यूज, अपना दिमाग यूज करके आप आज तक जो कुछ भी हैं वो अपने दिमाग की वजह से, मतलब ये दिमाग का मार्केट में वैल्यू नहीं है, इस दिमाग में ताकत नहीं है, इस दिमाग के अंदर करोड़पति बनने का ताकत नहीं है,
इस दिमाग को ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक तू करोड़पति नहीं बन सकता, समझ ले। बस आपके करोड़पति बनने में, आपके सफल होने में सबसे बड़ी बाधा है तेरा दिमाग। इस दिमाग का इलाज जरूरी है, इस दिमाग की एब्सेंस जरूरी है, इस दिमाग का हटना जरूरी है आपके शरीर से। हटाने का तरीका मैंने बता दिया, एक लाल कपड़ा लाना, सिंदूर सिंदूर लगा के, अगरबत्ती जला के, नारियल डाल के और अपने दिमाग को इसमें डालना और उठा के किसी नदी नाले में फेंक दे। कर सकते क्या ये? अरे कुछ लोगों को यार ये भी मतलब बिलीव नहीं आ रहा। आपको बोला क्या ये जैसे करोड़पति बनने में रुकावट है, तो ये मैंने खड़ा इसलिए किया था, मैंने कह दिया अपना दिमाग लगा दिया। मैं गया ही उधर इसलिए था कि अभी चुपचाप बैठेगा। अगर आप लाइन में बोला या खड़ा रहे तो खड़ा रहने का सवाल। आप लाइन मूर्ख तो नहीं, अप्लाई कौन है? सक्सेसफुल लोग हैं। अंकित खन्ना है, सुभाष सर है, राहुल जी है, राकेश जी है, बड़े बड़े लीडर्स हैं, ये सब सक्सेसफुल लोग हैं। अगर इन्होंने बोला कि रात को 12 बजे खड़ा हो जाना ऐसे, तो खड़ा हो जाने का। हेलो yes. ऐसे खड़े खड़ा रहे। अगर ऐसे करने से पैसा आता है तो कोई दिक्कत देखे ये आपसे कभी अगर अप्लाई करता ना कुआ में कूद जा तो कूद जाने का। हेलो, ये कौन कर सकता है जिसने अपने दिमाग को एब्सेंट कर दिया, जिसने अपने दिमाग को। आपने कभी कोई आर्मी में है क्या? आर्मी में नहीं, आर्मी में जो कमांडर होता है वो सारी बटालियन को एक ऑर्डर देता है जंप, तो वो जंप करता है कि नहीं करता? वो कहता है फायरिंग फायर। अब सामने उसने कोई गुनाह किया है नहीं किया है, वो उसका पहचान क्या है, उससे उसका कोई दुश्मनी है क्या? वो गोली मारता है कि नहीं? किसके ऊपर मारता है वो? उस आदेश के ऊपर, क्योंकि वो दिमाग किसका यूज होना है उस टाइम, वो कर्नल का जो उसका टोली का लीडर, तभी जंग जीती जाएगी। अगर सारे के सारे सिपाही अपने हिसाब से चलने लगे, अरे अभी देख लेंगे, अभी क्या जरूरत है, तो कोई दिख नहीं रहा, चला लेंगे गोली, ये तो ऐसे फालतू में गोलियां वेस्ट कराते रहते हैं सरकार की। अगर सारे सैनिक अलग अलग सोचे तो वो टीम कभी युद्ध जीत सकती है? ये टीम वर्क है। इस टीम में जो टीम का लीडर है उसको 100% फॉलो करना। क्या कर सकते हैं आप? हेलो ओके। अब आ जाते हैं मेन सवाल के ऊपर जिसके लिए हम बैठे बैठे बैठे। सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं? yes! सारे लोग yes! पैसा कैसे कमाते पता है? देखो आप, बड़ा अजीब सी बात है, सारे लोग पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन पता नहीं है पैसा कैसे कमाया जाता, तो फिर कैसे कमा लोगे? ये इस दुनिया में आप किसी भी काम के अंदर, ये मैं जरूरी नहीं है कि रहेगा ही नहीं हो, आप किसी भी काम में पैसा कमा सकते, ये चल रहा, किसी भी काम में पैसा कमा सकता, किसी भी काम में। मैं ऐसे एक चाय वाले को जानता हूं हैदराबाद के अंदर, ब्लू सी करके रेस्टोरेंट है, जिसकी पर डे इनकम सिर्फ चाय से लाखों रुपए में है। हेलो yes. चाय बहुत लोग बनाते हैं लेकिन ब्लू सी की जो ईरानी चाय बनाता है, वो तंदूरी चाय, उसका मतलब ही कुछ अलग है। अरे रिक्शे वाला का एक यहाँ पे दिल्ली के अंदर, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, पप्पू था वगैरह क्या था, एक रिक्शे से शुरू किया था, आज उसके पास हजारों के हजारों के रिक्शे हैं। रिक्शे बहुत लोग चला रहे हैं, उसने भी चलाया लेकिन उसने रिक्शे से रिक्शे रिक्शे से रिक्शे रिक्शा ही रिक्शा कर डाला, उसके हजारों रिक्शे चलते हैं।
अरे पान वाला, मुच्छर पान वाला, तो उसका एक एक पान हजारों रुपए का जाता। अब किसी भी फील्ड में टीचर, ऐसे ऐसे टीचर हैं हमारे राजस्थान में जिनका पैकेज 1 करोड़ पर एनम का है। कितना? 1 करोड़। आप विश्वास कर सकते हैं कि इस बात के ऊपर, और एक नहीं है, क्या ही है, किसी भी फील्ड में पैसा कमाया जा सकता है, किसी भी फील्ड में, कुश्ती में, कबड्डी में, दौड़ में, भाग में, शूटिंग में, लड़ाई में, झगड़े में, क्रिकेट में, खाना बनाने में, किसी भी काम में पैसा कमाया जा सकता है। सही है अगला? सही है। हेलो, yes. मतलब हमें अगर पैसा कमाना है तो कोई ना कोई प्रोफेसर चुनना पड़ता है, कोई ना कोई प्रोफेसर चुनना पड़ता है। यस नो? यस। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई क्लर्क बनता है, कोई जितने भी दुनिया में प्रोफेसर होते हैं। प्रोफेशन मतलब काम या धंधा। हम कोई भी काम चुनते हैं, लेकिन इसके अंदर जो पैसा कमाता है वो एक व्यक्ति कमाता है और वो होता है प्रोफेशनल। किसी भी काम में यदि आप प्रोफेशनल हैं तो पैसा बनाए। पॉइंट समझ आ रहा है? अगर टीचर हैं और साधारण टीचर हैं तो उतना ही पैसा बनाएंगे जितना ही साधारण टीचर बनाता है, लेकिन एक प्रोफेशनल है जो अपने आप को अपग्रेड करता है सिस्टम के साथ, जो मार्केट की लय को पकड़ता है, जो अपने काम के प्रति सजग है, वो पैसा बनाता है। प्रोफेशनल बनने के लिए आपको 4E से गुजरना पड़ता है। किसी भी काम में, किसी भी काम में, जैसे हमने अब क्या काम चुना है, नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग। हम किस धंधे में हैं? नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग। इसमें कंपनी का नाम क्या है? नेक्स्ट मनी। बराबर है? Yes. समझ में आ रहा है? Yes. मतलब हम हैं नेक्स्ट।